मॉडल नंबर कौन सा है? डेल ऑप्टिलेक्स 390 टावर मशीन इसको बोलते हैं, टावर वाली। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको यहाँ से भी चेक करेंगे, लगाइए पावर कोड लगाइए और ब्लिंकिंग कितना आ रहा है सब देखेंगे। कनेक्ट कर दिया ATX लगा के देखिए। और यहाँ पे काउंट करेंगे इस टाइप की ब्लिंकिंग आ रही है, ये बेसिकली जो है इस टाइप की, अगर ये टावर मशीन में इसी टाइप की ब्लिंकिंग आती है ना, तो इस टाइप की अगर ब्लिंकिंग आ रही है तो इसका मतलब ये पावर सप्लाई से ही दिक्कत होगी ना, कंटिन्यूस ब्लिंकिंग इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे, एक बार टिकट देकर देखें, नहीं चल रहा है, ठीक है जी। फिर पावर को डिसकनेक्ट कीजिए, सीमोस को एक बार रिमूव कीजिए, और फिर से एक बार इंसर्ट कीजिए, नहीं और पावर कोड लगाइए, देखिए। तो इस टाइप का ब्लिंकिंग कभी भी आए, ये डेल का जो ब्रांडेड जो पीसी होता है इसका मतलब आपको पावर सप्लाई में ही दिक्कत है। इसको क्रॉस चेक कीजिए, हटा दीजिए इसको, क्रॉस चेक कीजिए, इसको चेक करने के लिए दूसरी पावर सप्लाई का यूज हम करेंगे, ऊपर में रख लीजिए ऊपर में। रैम लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ LED का स्टेटस चेंज हो चुका है, और चेंज होने का मतलब आप ट्रिगर दीजिए, देखिए आपका फैन कंटिन्यूस रन, देख सकते हैं। तो इस टाइप से कभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो इसका मतलब ये पावर सप्लाई से ही इश्यू होगा, और डिस्प्ले भी आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो चल ओके, थैंक यू।